हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, किस प्रकार बदमाशों के हौसले बुलंद हैं, इसका एक उदाहरण मैं अभी आपको देता हूं। कल गांव अलकपुरा के पास एक वारदात हुई। हालांकि पुलिस देर से पहुंची वहां, लोगों ने बताया कि वो 112 नंबर पर बार बार फोन करते रहे, लेकिन उनको देर से पुलिस सहायता मिली, लेकिन फिर भी पहुँच गए और उनमें से गिरफ्तार भी कर लिया गया उनको। तो ये देखिए, मेरे सामने जो भी तस्वीर यहाँ इस वारदात की आई है, अनिल कुमार चौहान जो गांव अलकपुरा के ही बाशिंदे हैं और आपका संदेश के रिपोर्टर और फोटोग्राफर हैं, उन्होंने एक लाइव तस्वीर भेजी है। देखिए ये वीडियो। और ये अलकपुरा में एक वारदात हुई है और अभी अभी तलवार लगी एक लड़के को, और इसमें कौन कौन है वो अभी दिखाते हैं आपको। अभी मौके पर पुलिस आ चुकी है। भाई कोई किसी का हाथ नहीं लगाओ, गलत बात, प्रशासन आ रहा अपना आप करेगा। उसको ऊपर ना मुंह कर। बेटा आप क्या कर रहे थे? मार रेस मारना आ रहा। किसने मारा आपको? ये तीन जने गाड़ी में आए थे, आंधिया हो रहा, हम डट रहे थे और आंधिया गाड़ी गुड़ी पकड़ना के शीशों में काट गई थी, तलवार मारी आपको। कितने बंदे हैं? तीन जने। और चोट कहाँ लगी आपका हाथ से? नारी एक हाथ तो लगी और दूसरा भाई था उसका गुणी दौड़ लगी। अच्छा, दूसरा भाई कौन था? ठीक है इसको भी मौके पर पुलिस प्रशासन पूछा और उसके पास जो मौके पे सामान बरामद हुआ हथियार है। ये हथियार दिखाना सर एक बार। ये देखो, ये देखिए, पुलिस वालों ने हथियार बरामद कर चुके हैं। अब भाई रोगी तो दारू पिए खा जी, सिर्फ इसका खिड़की का लगा हुआ है। चलो थोड़ा हाँ, हमने भी कोऑपरेट करो। रेस मार के ने अपने यार ड्रेन वहाँ अपने गांव के था। हाँ, ये रास्ता खुद के नहीं हो जो अपनी पाइपलाइन खुद इससे उल्टे हो जाए। और ये है कई पीछे से आते है इस लड़का ने, ये जो पल्ली साइड में कनेक्ट हो हम तो रेस मारा इन्हें काट दे तलवार सीधी मारी है खिड़की शीशा भर गया। कोई ना दिखाने हैं, कोई ना देखने दो। तलवार कड़े हैं वो निकाल लो सर एक बार। गुरुद्वारा फंड में थे। अच्छा, हाँ जी, गुरुद्वारा सिख किसे होंगे?
और देख लिया इसमें नीचे और तो कुछ नहीं देख लिया और गड्डी उड़ जाओ जोड़ से दमा बारी कितने ले लिए जाने के लिए दार भी बढ़िया है तो पर वैसे ही ना दूर का कोई नहीं जो आज है सरदार वाला वो है कितने जा रहे होंगे रोड खरीद तो इस आदमी थोड़ी मारेंगे सर सरदार का तो ठीक है सर आदमी को थोड़ी मारेंगे सर यार देख हम भी आड़ नजदीक के हाँ ये जो वीडियो बनाओ हो कौन बना ले जी सुनो बना ले बस कोई फर्क नहीं पड़ता एक बात बताओ आपा सारे लोकल हां इस लाइट लाइट चल इसमें देखे ते आपा वो बात करा इसमें कुछ लाइट लग ले यार लाइट लाइट आगे ले लाइट ले नहीं एक मिनट परमिट थोड़ी था किसी ने वो भाई साहब कैसे बात करेंगे दारू पी रखी है मेरा गाँव अलग पूरा है। अच्छा सर ये जो वारदात हुई इस पे क्या कहना चाहोगे आप? इस पे ये है जी सबसे पहले तो जो अभी जो घटना घटी है ना इस पे तो पुलिस सबसे पहले लेट आई हमें। अच्छा जी। हाँ हमने वेट किया 3 बार फोन किया हमें कोई सुविधा प्राप्त नहीं। तो सरकार ने हेल्पलाइन नंबर दे रखा है 112 आप उस पे कॉल कर हमने बार बार कॉल कर रहे हैं उस पे सिर्फ ये दिखा रहा आपका फोन वेटिंग में है या बिजी है। तो आप SHO का नंबर है जी अरे गाँव में है वो SP का नंबर है टोल फ्री नंबर है आप कहीं तो कॉल कर सकते हो। हमने फिर दोबारा ट्राई किया तो हमारे जो 112 वाले जो हेल्पलाइन नंबर है ना उस पर हमारी पुलिस ने इन्फॉर्म आई आगामी 5-10 मिनट में आ रहे हैं वो 10 मिनट में आए तो हमने इनको मुख्य वारदात उनको जो हथियार थे कारतूस थे हमने वो दिखा दिए। उनके पास कितने हथियार थे? उनके पास सर 3 तलवार थी। अच्छा जी। और क्या था उनके पास? उनके पास सर बिंडा जो लकड़ी का होता ना एक दो वो थे। तो PCR मौके पे आ चुकी थी? कुछ PCR मौके पे आई 10-15 मिनट में पहुंची हमने उनको बताया तो उन्होंने ये कहा एक बार हम जो थाना प्रबंधक हैं वहाँ हम बात कर रहे हैं वो आएंगे और वो क्या डिसीजन लेते हैं वो जैसे कहेंगे हम इनको वही धारा लगाएंगे। 15-20 मिनट में वो हमारे जो थाना प्रबंधक हैं वो आए उन्होंने इनसे बात की बात करने के बाद उन्होंने ये कहा कि अगर इनको ना आपको कुछ पता चला वो कहाँ के हैं रहने वाले वो इनसे ये बात करने के बाद हमने तो उन्हें पता कुछ नहीं बताया लेकिन जो हमारे टोल फ्री नंबर वाले पुलिस कर्मचारी पहुंचे थे उनके सामने ये बताया है एक तो बता रहा है मैं भी थतल का हूँ गाँव में थतल एक बता रहा है अगर मैं इसका कुछ जानकार हूँ तीसरा बंदा है वो हमारे बगल के खेतों में बड़सी गाँव किसे कॉन्टेक्ट उसका उसको शायद हम नहीं जानते। आप क्या कहना चाहोगे सर इस बारे में? सर मैं ये जैसे ये लड़के थे बिल्कुल शरीफ हैं अपनी रेस की तैयारी कर रहे हैं अपने शाम को ये रेस मारने गए थे 3-4 बच्चे थे ये और ये अपने आ रहे थे आराम से और इनको साथ में गाड़ी साथ में लगा के और पता नहीं वे अपने आप गाड़ी से निकल के उनको गाड़ी दी है कुछ बोले हैं और बाहर निकलते उनके तलवार मारी है वो यहाँ पे लगी उनको तलवार एक को दो अरे को यहाँ से लगी है। तो सर आपके तो बहुत बच्चे खेलने आते हैं रेस भी मारने जाते हैं तो ये वो वारदात उन्हीं के साथ क्यों हुई? सर ये बदमाश है वैसे हमारे यहाँ तो जैसे ग्राउंड है स्कूल का यहाँ पे बहुत ही लड़कियाँ भी आती हैं महिंदा से भी बड़सी से भी हमारे गांव की भी बहुत लड़कियाँ हैं और ये बच्चे भी अपनी रेस की तैयारी कर रहे हैं भर्ती की तैयारी कर रहे हैं पर उनके साथ पता नहीं कि दुश्मनी तो कुछ नहीं थी वैसे ये तो गुंडागर्दी वाली बात हो गई। तो हाँ जी ये सही बच्चे थे बिल्कुल। तो पुलिस प्रशासन ने क्या आश्वासन दिया आपको?